गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आज हम फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे, इसके कारणों के बारे में जानेंगे, फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं, जो भी इसके फीचर्स हैं, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। तो जब कभी भी एक सॉलिड सरफेस दूसरे सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में रहते हुए या तो उस पर स्लाइड करने की चेष्टा करता है या एक्चुअल में स्लाइड कर रहा होता है, तो वैसी स्थिति में दूसरा सरफेस जो है पहले सरफेस के स्लाइडिंग टेंडेंसी का या स्लाइडिंग मोशन का अपोज करता है और ऐसा करने के लिए वो दूसरा सरफेस पहले सरफेस पर टेंजेंशियली एक अपोजी डायरेक्शन में, मोशन के अपोजी डायरेक्शन में फोर्स लगा करके करता है और उसी फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे ये एक बुक है, कॉपी है, इसके ऊपर एक दूसरी कॉपी बुक रख दी गई इसके सरफेस पर, तो दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो गए हैं, ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ गए। अब यदि हम ऊपर वाली जो बुक है इसको हम ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करें, तो तुमने ये महसूस किया होगा कि थोड़ा बहुत फोर्स लगाएं तो ऊपर वाली बुक नीचे वाली बुक के सरफेस के कांटेक्ट में रहते हुए स्लाइड नहीं करती है। धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाते जाएं तो एक लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स आती है, जिसके बाद ऊपर वाली बुक जो है नीचे वाले पर स्लाइड करनी यानी सरकनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब ये सरकने की कोशिश कर रहा होता है या जब ये नीचे वाली कॉपी के ऊपर बैठे हुए सरक रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो नीचे वाली कॉपी की बुक की जो सरफेस है, इस सरफेस पर ऊपर वाली बॉडी की सरफेस पर जहां वो कांटेक्ट में है उस पर अपोजी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, मोशन के अपोजी डायरेक्शन में। अब ये बुक इधर की ओर सरकना चाहती है और ये सरफेस इस सरफेस पर टेंजेंशियली एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंशियल इधर की ओर फोर्स लगाता है और लगा करके इसके मोशन का विरोध कर रहा होता है। ठीक है, इसी फोर्स को, इसी अपोजिंग फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहां समझने वाली बात यह है, मैंने कहा कि ऊपर वाली बुक को यदि हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं, जैसे मान लो कि इस पर हम 5 न्यूटन का जब फोर्स लगाते हैं तब जाकर के ये नीचे वाले बुक पर सरकनी शुरू हो जाती है, स्लाइडिंग शुरू होती है। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि 5 न्यूटन से कम फोर्स लगाने पर इस पर किसी तरह का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है कि 5 न्यूटन का फोर्स मिनिमम लगने के बाद ये स्लाइड होना शुरू हुआ, तो स्लाइड होना जब शुरू हो गया तब तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, लेकिन 5 न्यूटन से कम फोर्स भी लगाया, जैसे मान लो कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और भले ही ऊपर वाली बुक जो है नीचे वाली कॉपी के ऊपर स्लाइड नहीं कर रही है, फिर भी चूंकि 1 न्यूटन का फोर्स इस पर लग गया है तो ये स्लाइड करने की चेष्टा तो कर ही रहा है, इसकी टेंडेंसी तो बन ही जाती है स्लाइड करने की। 2 न्यूटन का फोर्स लगा है, फोर्स बढ़ा दिया, भले ही स्लाइड न करे लेकिन इसकी जो टेंडेंसी जो है स्लाइड करने की है। ठीक है, 3 न्यूटन पर भी इसकी टेंडेंसी स्लाइड करने की, 4 न्यूटन पर भी टेंडेंसी स्लाइड करने की, 4.5 न्यूटन पर भी टेंडेंसी स्लाइड करने की। ठीक है, ये बात अलग है कि 5 न्यूटन पर जाकर स्लाइड करेगा एक्चुअल में। तो जब तक ये 5 न्यूटन तक अगर हम फोर्स लगाएं तो भले ही ये स्लाइड नहीं करती है लेकिन ऊपर वाली सरफेस चूंकि स्लाइड करने की चेष्टा तो कर ही रही है, तो वैसी स्थिति में भी भले ही ये रेस्ट में है, भले ही देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट, डिस्पाइट ऑफ दैट ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग बाद में कैटेगराइज करके अलग अलग समझेंगे इनके नेचर को, तब भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है, इस चेष्टा का भी, इस टेंडेंसी का भी विरोध हो रहा होता है, भले ही ये स्लाइड ना करे लेकिन स्लाइड करने की कोशिश भी अगर कर रहा है दूसरे सरफेस पर रहते हुए, तो यहां इन दोनों सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट में एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो भी लग रहा होता है। यानी कि यदि इसकी चेष्टा भी हो गई, भले ही ये ना स्लाइड करे फिर भी इसकी चेष्टा का भी एक अपोज किया जाता है इस सरफेस के द्वारा, यानी कि अगर टेंडेंसी बन गई किसी भी तरह से बाहर से थोड़ा बहुत फोर्स लगाकर तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है, और जब ये एक्चुअली स्लाइड करनी शुरू करती है तब तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता ही करता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसकी
टेंडेंसी ऑफ मोशन का या एक्चुअल स्लाइडिंग मोशन का विरोध करता है, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दूसरे सरफेस के द्वारा पहले सरफेस पर एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर ये इस डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, यदि ये बुक इधर स्लाइड करने की कोशिश करे या स्लाइड करे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हर हालत में, हर परिस्थिति में ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है टू सर्फेसिस के बीच, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दो सर्फेसिस के कॉन्टैक्ट पर टेंजेंशियली एक्ट कर रहा होता है, और वो हर हालत में टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का या रिलेटिव मोशन का विरोध कर रहा होता है और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। समझ गया बात? अब रही बात कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फ्रिक्शन को डिफाइन कर लेते हैं हम। तो व्हेनेवर ए बॉडी मूव्स, व्हेनेवर ए बॉडी मूव्स और व्हेनेवर ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस और टेंड्स टू मूव ओवर a surface tends to move over a surface of another body of another body, ठीक है, a force comes into play which a force comes into play which acts parallel to the surface of contact and opposes the relative motion and opposes the relative motion or tendency of relative motion between two surfaces in contact। ठीक है, तो जब कभी भी एक बॉडी, ठीक है, दूसरे बॉडी पर, एक दूसरे सरफेस पर उसके कांटेक्ट में रहते हुए मूव करने की कोशिश करती है, तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन का, जो उन दोनों सरफेसेस के बीच की रिलेटिव मोशन का या उसकी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोज करता है, उन दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट में टेंजेंशियली एक्ट करते हुए इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, ठीक है, और उसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। समझो बात। अब सवाल